कितनी खुशी है इस बात की कि पूरे 20 साल पूरे के और लोगों की जो एक लोगों की एक भीड़ है जो यहाँ पर नजर आती है सूरज वाटर पार्क में एंजॉय करते हुए। लोगों ने बहुत प्यार दिया है सूरज वाटर पार्क को, जिसके लिए हम लोग मेरा पूरा फैमिली लोगों को थैंक यू बोलना चाहेगा। हमारे जो ब्रदर है जो सूरज जी है, उन्होंने इस टाइम बहुत ही अच्छी प्लानिंग की है, जहाँ पे बहुत सारे सिंगर्स को लाए हैं। इनफैक्ट अभी जो 27th को जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है वो सबसे बेहतरीन प्रोग्राम होने वाला है, जहाँ पे शबाब शबरी खुद आने वाले, जो वॉइस ऑफ सलमान खान है, देन हजारिका जी आ रहे हैं। बच्चों के लिए वापस हम लोग ने अब परेड प्लान किया है, जहाँ पे उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स को वो मिल सकते हैं। इस हिसाब से हम लोग की प्लानिंग्स चल रहे, बट इट्स ऑल थैंक्स टू द पब्लिक हु इज गिवन सो मच ऑफ लव टू सूरज वाटर पार्क। वी रियली थैंक यू ऑल। तो जब कोई पार्क या कोई गार्डन एक बार लोग बना देते हैं तो फिर उसको और भी ज्यादा आप ये सोचते हैं कि यहाँ के जो लोग आते हैं उनके डिमांड बढ़ते हैं, उन्हें और कुछ नया चाहिए, तो इस बात पे कितना ध्यान देता है सूरज वाटर पार्क उनकी उनकी जो चाहत होती है उसे पूरा करने के लिए? हम लोग सजेशंस लेते हैं लोगों के, 60-70% लोग बहुत यहाँ से खुश होते हैं, 40% लोग बोलते हैं कि नहीं कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम होने चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जो सूरज जी है उन्होंने पर्सनली इसके ऊपर ध्यान देके ये एक छोटा सा जो कार्निवल है वो उन्होंने इस टाइम पूरा उस हिसाब से उन्होंने बिठाया है, जहाँ पे लोग आए इन्जॉय करें। जो बड़े लोग हैं जो आज म्यूज़िक इन्जॉय करते हैं, सेम टाइम बच्चे हैं उनके लिए भी ऐसे कार्निवल और यू नो परेड रखे, कार्टून कैरेक्टर्स को मिले, उस हिसाब से उन्होंने इस टाइम पूरा प्लान किया। तो 27 को क्या कुछ खास होगा लोगों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ डिस्काउंट भी, क्योंकि आपकी 20 ईयर कम्प्लीट हुए तो यहाँ पे लोगों के लिए गर्मियाँ भी चल रही है और गर्मियों में लोगों के लिए डिस्काउंट होता है और 20 ईयर्स कम्प्लीट किए हैं, तो लोगों के लिए पब्लिक के लिए क्या कुछ खास होगा? डिस्काउंट तो नहीं रखे है मैडम, बट या दे विल रियली इन्जॉय फॉर श्योर। जिस हिसाब से हम लोग ने शबाब जी को बुलाया, रानी हजारिका जी को बुलाया, सो दे विल फॉर श्योर, प्लान वही है कि पब्लिक यहाँ से डांस करती हुई जाए, तो उसके ऊपर हम लोग ने ज़्यादा ध्यान दिया। तो 2019 आपने कंप्लीट किया होगा, अभी आपने 20 कंप्लीट किया, तो 19 और 20 के बीच में इस एक साल के बीच में कुछ नया क्या कुछ खास रहा? नया अब के बाद हिंदुस्तान में पवित्र स्थान की ये पानी जो है
कि पूरा बॉडी माइंड सोल एंड बॉडी जब फील करता है, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए हिंदुस्तान में वाटर पार्क जैसी कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुई थी। उन्होंने 1996 में आए स्टडी किए, 1998-28 में तो वाटर पार्क डेवलप हुई वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में ये ओनली थर्ड वाटर पार्क, फर्स्ट इज मेहसाना, सेकेंड इज वाटर किंगडम, थर्ड इज सूरज वाटर पार्क 28 मई 1998 इन इंडिया वाटर पार्क कॉन्सेप्ट में जो ओपन हुआ। अभी हम कॉमनली में आया है फॉरेस्ट है, अरे फॉरेस्ट में अरे पत्थर है, वो पत्थर से पानी निकल रहा है, वाह क्या है ये कॉन्सेप्ट। तो दिस इज टोटली हिंदुइज्म की ट्रेडिशन है हमारी, जब धरती पे पानी का प्रवाह की पानी के लिए तरस रहे थे, भक्त लोगों ने शिव महाराज जी को शिव जी को प्रार्थना किए, हमको पानी दो पानी दो पानी दो। शिव जी ने अपना तपस्या पूरा करके गंगा को जटा से गंगा को उन्होंने धारण किया, गंगा धरती पे आ, अगर गंगा धरती पे अगर आ जाती तो धरती पूरा फट जाती। शिव जी ने अपनी जटा में गंगा को धारण किया, शिव जी है या शिव जी के जटा पे गंगा धारण है, गंगा धारण के तौर पे हमने 15 HP का मोटर रखा है, तो पहले को 15 HP मोटर पानी से शिव जी की पेट से आए, देन ये जो है 30 HP की मोटर, उसके बाद कान से जो है 60 HP की मोटर से, दिस इज टोटली मेडिकेटेड, मैं कैसा बोलूँ साइंस में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। आप जाइए अगर जाके आप प्रेशर देके आप हो जाइए, यू गेट योर बैक बोन्स एंड एवरीथिंग रिलैक्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ यू वाटर इज साइंटिफिकली ट्रीटेड। साइंस में आज की तारीख में 0 degree वाटर रहना चाहिए एक्सीडेंट प्रूफ करने के लिए, 0 degree वाटर। परिवार फैमिली बच्चे आए बच्चे और एकदम हैवी शावर नहीं लेना है, नॉट इवन ए सिंगल बकेट ऑफ वाटर इज प्रेगनेंट हियर, रोज अराउंड टू फिल्ट्रेशन पंप एवरी मिनट एंड कम्बर 5 lakhs ऑफ लीटर बीन लीटर एवरी मिनट एंड इट इज नथिंग इफ यू पास द ओजोन इन दिस वाटर विल बी अ मिनरल वाटर। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द ट्रेडिशन, दिस इज द साइंस। अरुण कुमार मुछाला जी ग्रुप को डेवलप किया है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट इज स्टोव, नॉट एनीथिंग इट इज अ स्टोव बाय द स्टोव। ये कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करके मुझे लगता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट यूएन से करने वाला कोई अभी तक मेरे हिसाब से नहीं, यू थिंक पीपल एंजॉय एवरी वन। आप कहीं से भी लोनावाला ये वगैरह, अरे यार बारिश में आएंगे फॉरेस्ट में ही लगेगा कि नहीं फॉरेस्ट में। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।